सदर सांसद रवि किशन शुक्रवार की शाम को 5:45 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी और एसआईसी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता मौजूद रहे। सांसद मेल आर्थो वार्ड में पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान उनकी नज़र सुमित पर पड़ी। सांसद बेड पर सुमित के साथ बैठ गए। भोजपुरी में सांसद ने सुमित से उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा कि अरे बाबू, तुम तो हीरो लग रहे हो। ये सुनते ही सुमित मुस्कुराने लगा। सांसद सुमित के पास 2 मिनट बैठे रहे। इस दौरान सुमित ने बताया कि खेलने के दौरान दायां पैर टूट गया, अब ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने प्लेट लगाने को कहा है। 6 दिन से भर्ती हूँ, अब तक ऑपरेशन की डेट नहीं मिली है। सांसद ने एसआईसी से जल्द बच्चे का ऑपरेशन कराने को कहा। इसके अलावा सांसद ने डांगीपार निवासी राजेश साहनी और खोराबार निवासी बरखू प्रसाद से भी मिले। दोनों मरीजों से उन्होंने दवा और इलाज के बाबत जानकारी ली। सांसद अस्पताल में साफ सफाई से प्रभावित हुए। निरीक्षण के दौरान सांसद के सामने डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठा। सांसद ने डॉक्टरों की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने सीएमओ से जिले में स्वीकृत पद और उसके अपेक्ष डॉक्टरों की सूची मांगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी का मामला सीएम के सामने उठाया जाएगा। सदर सांसद रवि किशन इससे पूर्व एम्स का निरीक्षण किया था। सांसद ने सबसे पहले आयुष भवन में चल रहे ओपीडी के बारे में जानकारी ली। कार्यदायी संस्था के प्रमुख सुब्रमण्यम एवं एम्स के प्रशासनिक अधिकारी मेजर डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय ने सांसद को निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए अभिनेता व सदर सांसद रवि किशन ने कहा, यहाँ से परेशान बड़ी हैरान, मरीज को परेशान यहाँ तो रुकवा लीजिए, सब सफाई अच्छी रखी है, मरीज परेशान सब नहीं रहे, हाँ सब भीड़ भीड़ ना जाए, भीड़ फीमेल है, वहाँ भी फीमेल आप लेवा है, आपको उधर भी है अच्छा हमको लगा अपनी अस्पताल में कि आर्थो वार्ड महिला में भी हम गए, यहाँ गए, पुरुष में भी गए, और हम इनको फोन पर बात किए, मतलब ये कि कैसे भी चिकित्सालय है अपना डिस्ट्रिक्ट का, मेडिकल हॉस्पिटल है, क्लीन रखें। सफाई तिवारी जी ने, इन्होंने सबने बहुत अच्छी रखी, तो उस बात की हमको बहुत खुशी है।
पर्सनली चेक किए। आज हम सब अस्पताल दौरे पे एम्स पे भी गए थे और बहुत अच्छा लगा कि वेल मेंटेन। तिवारी जी आइए, तिवारी जी आपने मेंटेन किया, आप सीएमओ साहब आइए और आप लोग गुप्ता जी को भी बुलाइए ताकि आपको लोग गोरखपुर में देखें कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों को ये सम्मान है। देखिए अच्छा करोगे। हाँ ये गुप्ता जी हैं, आप लोग ये क्लीन रखिए सफाई और कोई मरीज का ध्यान रखिए क्योंकि आप लोग के पर आप लोगों को भगवान के रूप में देखा जाता है। एम्स में फास्ट हो रहा है काम काफ़ी, उन्होंने सारी चीज़ों को और स्पीड अप करने हमने बोला। ओपीडी वगैरह को कैसे मतलब ट्रांसफ़र करेंगे, मार्च अप्रैल में इन्होंने एक समय दिया एक शुरू हो जाने के लिए कि ये अस्पताल की बिल्डिंग अप्रैल में रेडी हो जाएगी और सितंबर में इन्होंने एक बिल्डिंग को दिया जहां पर ओपीडी यहां से शिफ्ट हो जाएगी और यहां पर आयुर्वेदिक वाला डिपार्टमेंट यहां आ जाएगा। प्लस हमने बोला वहां ग्रीनरी करिए, वहां पर और पेड़ पौधे लगाइए और अभी 2500 वर्कर वहां काम कर रहे हैं राउंड क्लॉक। हमने बोला बस स्पीड अप करवा दीजिए, इलेक्शन के दौरान वगैरह बोल रहे थोड़ा स्लो हो गया। मैंने बोला पूरे देश की नज़र मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान आत्मा वहीं पर है एम्स में और बिहार से लेकर सब लोगों को फ़ायदा होगा, उसको आप लोग तुरंत कराइए। तो अभी उसी दौरे पर है कि आज क्या क्या चीज़ें भी रहा। इलेक्ट्रिक बोर्ड आज हम वहाँ पर भी ऑफिस में भी गए थे, उनसे भी मीटिंग ली सब लोगों से कि क्यों इतनी आपके गोरखपुर में आप विद्युत की इतनी तकलीफ आप क्यों है, तो उनके आज उनके इनर प्रॉब्लम्स पता चले, उसका सलूशन हम कर लेंगे कि कुछ कर्मचारी हैं उनको कोई कंपनी हायर की वो पेमेंट नहीं कर रहा सर, पेमेंट पाने के बाद भी, तो आप उसका भी सलूशन करके इसको ठीक कर। डॉक्टरों की कमी है सर, कुछ हमारे आप हमको लिख के दीजिए सर, कुल 14 है सर, फिर भी हम लोग स्पेशलिस्ट प्लीज मुझे लिख दीजिए, हम सीएम साहब को बात करते हैं।